हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सबके घरों में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत यूज़फुल होती हैं, बट वी डोंट रियली नो हाउ एंड वेयर टू प्लेस देम प्रॉपरली। ये चीज़ें या तो किसी ड्रॉअर में पड़ी होती हैं, या किसी शेल्फ पर, या घर के किसी कोने में। आज मैं आप सबको इन छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के 7 वेज बताने वाली हूँ, एंड यू कैन चूज वन और मोर दैट सूट्स यू बेस्ट। आप सारी छोटी छोटी चीज़ों को इस सेक्शन बॉक्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सेक्शन बॉक्स छोटे और बड़े साइजेस में विद मोर और लेस सेक्शंस इजीली अवेलेबल हैं, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें बाय कर सकते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल इन सेग्रीगेटिंग स्मॉल थिंग्स इन योर होम। आप किसी भी टाइप के छोटे छोटे बॉक्सेस या बास्केट्स भी इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये बहुत सारे डिस्पोजेबल बॉक्सेस घर पर ही पड़े हुए थे, तो मैंने इनमें अलग अलग इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। आप चाहें तो इन पर लेबल भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको हर बॉक्स की आइटम ईजिली पता चल जाएगी। अगर आप इन बॉक्सेस को यूज़ करते हैं तो इनके नीचे ब्लू टैग या एडहेसिव पुट्टी लगाकर ही इन्हें ड्रॉअर में रखें। इससे ये बॉक्स अपनी जगह से मूव नहीं होंगे जब भी आप ड्रॉअर को खोलेंगे या बंद करेंगे। ब्लू टैग इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू स्टिक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये रीयूजेबल है और इसे आप इजीली कभी भी उतार सकते हैं, और सेम ब्लू टैग को किसी दूसरी चीज के लिए अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी ऐसी प्लास्टिक की बोल्स वगैरह पड़ी हुई हैं जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो आप इनमें सारी छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप ब्लू टैग या किसी और चीज़ से उन्हें स्टिक करके ही ड्रॉअर में रखें, वरना आपका सारा ड्रॉअर फिर से मैसी हो जाएगा उनके मूव होकर गिरने से। इस टाइप के मिनी स्टोरेज ड्रॉर्स भी इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। इन्हें आप किसी भी शेल्फ पर डिस्प्ले करके भी रख सकते हैं, और आपकी सारी छोटी छोटी चीज़ें भी सेफली इनमें ऑर्गेनाइज्ड हो सकती हैं। ये ऑर्गेनाइजर्स ज़्यादा या कम ड्रॉर्स के साथ भी अवेलेबल हैं, सो यू कैन बाय देम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। This is a homemade section box which you can easily make yourself and it doesn't need a lot of material to make. Firstly, मैंने ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है और उसे रैपिंग पेपर से रैप कर दिया है। अब ये मैंने दो लॉन्ग कार्डबोर्ड पीसीज को भी रैप कर लिया है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बॉक्स। अब मैं इन्हें यहाँ स्टिक कर दूंगी। मेक श्योर कि आप अपने ड्रॉअर में पहले ये कार्डबोर्ड बॉक्स रख कर देख लें इसे बनाने से पहले, कि ये आपके ड्रॉअर में परफेक्टली फिट होता भी है या नहीं। अब मैंने ये छोटे छोटे कार्डबोर्ड पीसीज को भी रैपिंग पेपर से रैप कर लिया है, और इन्हें भी मैं बीच बीच में चिपका दूंगी टू मेक डिफरेंट सेक्शंस इन दिस बॉक्स। यहाँ मैंने कुछ छोटे और कुछ बड़े सेक्शंस बना लिए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉक्स में सेक्शंस बना सकते हैं। I just love using this box and I am using this only to organize all the small things in my home. अगर आपके पास स्पेस बहुत ही कम है इन छोटी छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो आप इन ziplock bags को भी यूज कर सकते हैं। इन्हें आप घर के किसी भी छोटे से छोटे ड्रॉअर में इजीली रख सकते हैं। इससे सारी छोटी छोटी चीज़ें एक तो पूरे घर में फैली नहीं रहेंगी, और आप इन्हें कैसे भी एक दूसरे के ऊपर नीचे रख सकते हैं।
अगर स्पेस कम है तो आप इस टाइप के हैंगिंग पॉकेट ऑर्गेनाइजर्स में भी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजर आप इजीली घर में भी बना सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू शो यू हाउ टू मेक दिस हैंगिंग ऑर्गेनाइजर देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू मेक दिस हैंगिंग स्टोरेज ऑर्गेनाइजर। You can find the links down below to buy some of these organizers online. If you like this video, then please give it a thumbs up and do subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye.